हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। लेकिन पिछले 2-3 दिनों के अंदर थोड़ी परेशानी इंडियन यूजर्स को यहाँ देखने को मिल रही है, क्योंकि ज़्यादातर मेरे जो भाई बहन हैं वो इंटरनेशनल एक्सचेंजेस पे ट्रेड करते हैं, इंडियन एक्सचेंजेस पे थोड़ा कम करते हैं। बहुत सारे रीज़न हैं, लो लिक्विडिटी है, कॉइन्स के ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, विड्रॉल का इशू रहता है। लेकिन एक जो बड़ा मुद्दा है वो है टैक्स से रिलेटेड। यहाँ पे लोग सोचते हैं कि 1% TDS से बच जाएंगे, 30% टैक्स से बच जाएंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं दिमाग में चलती हैं इंडियन यूजर्स के क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो हैं। तो जो हमारी गवर्नमेंट है, FIU की बात करते हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से 2 दिन पहले एक नोटिफिकेशन आया, और उसमें नो इंटरनेशनल जो एक्सचेंजेस हैं उनके ऊपर उनके URL बैन करने की बात की गई। और ये निकल के आ रहा है, अभी लेटेस्ट जो क्वाइन डेस्क की जो न्यूज निकल के आई है उसके पीछे इंडियन एक्सचेंजेस हैं ये सारी चीजें एक्शन कराने के पीछे। तो एक्चुअल में क्या सिनारियो है, हमारी गवर्नमेंट क्या सोचती है, बिल 2024 में आएगा नहीं आएगा, और क्या इंटरनेशनल एक्सचेंजेस कंप्लायंस करेंगे नहीं करेंगे, तो बहुत सारे सवाल हैं आपके, और हमारे पास में उनका जवाब देने के लिए एक खास मेहमान है, काशिफ जी। और काशिफ भाई की मैं बात करता हूँ, पहले क्रिप्टो कानून अगर आपको याद होगा उनके फाउंडर में से एक हैं, और अभी एक बहुत अच्छा चैनल चला रहे हैं बिटेनिंग के नाम से। अगर आपने उनका कंटेंट नहीं देखा है तो वहां पे जाके जरूर देखिएगा, बहुत कुछ आपको सीखने को मिल सकता है। तो काशिफ भाई कैसे हो, वेलकम। बहुत बहुत बढ़िया पंकज भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी वंस अगेन एंड हाय टू ऑल योर ऑडियंस। थैंक यू वेरी मच। तो काशी भाई शुरुआत करते हैं, पहले तो इंडिया के अंदर देखो, ये जो अभी इंडिया से पहले जो लेटेस्ट अभी जो चल रहा है पिछले 2-3 दिनों के अंदर हुआ, बेटर है उस पर बात करने, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन है। और यहाँ पर आपने जो अभी जो क्वाइन डेस्क की जो न्यूज निकल के आ रही है, भारत वेब 3 एसोसिएशन, और शायद उनके साथ में अभी एक इंटरेक्शन आपने किया है जो उनके चेयरपर्सन है, आई डोंट नो एग्जैक्टली उनका नाम क्या है। तो ये निकल के आ रहा है कि ये जो नो एक्सचेंजेस पे, दिलीप चुनॉय नाम। दिलीप चुनाय जी, जो नो एक्सचेंजेस हैं या जो इंटरनेशनल एक्सचेंजेस पे एक FIU फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने जो एक्शन लिया है वो उनके पीछे ये है। तो ये सारा मामला क्या है और क्या इंडियन यूजर्स को करना चाहिए, थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे दीजिए तो थोड़ी हेल्प हो जाएगी इंडियन यूजर्स की। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले समझ पहले बात करते हैं कि FIU क्या है, उसके बाद आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि मैटर क्या है। FIU इंडिया के अंदर एक एजेंसी है जिसका नाम है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। जब हम बात कर रहे हैं इंटेलिजेंस यूनिट, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि कोई एजेंसी है। हाँ, तो ये एक एजेंसी है जिसका काम सुनने में सिंपल लगता है बट काम बड़ा डिफिकल्ट है। काम बेसिकली ये है कि जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो रही है, या क्रिप्टो की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जितनी भी डिजिटल स्पेस आप देखिए वो बढ़ रहा है। हर पेमेंट अब डिजिटल होती है, यू नो हार्डली देर इज फिजिकल कैश के अंदर तो ट्रांजेक्शन कितनी कम हो गई है। लेकिन जो डिजिटल लैंडस्केप बढ़ रहा है और पेमेंट्स डोमेस्टिक अगर कंट्री की बात करें उसमें भी डिजिटल लैंडस्केप बढ़ रहा है, पेमेंट्स जा रही है, पेमेंट्स रिसीव कर रहे हैं लोग। सिमिलरली भारत से बाहर लोग पैसे भेज रहे हैं, भारत के अंदर पैसा आ रहा है। तो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आती है। ये एक ऐसा यूनिट है, ये एक एजेंसी है जिसका काम सिर्फ एक ही है। काम ये है कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को मॉनिटर करो और उनमें से जो भी तुम्हें सस्पिशियस लगे, सस्पिशियस मतलब उसको तुम पकड़ो, मतलब उसको सस्पिशियस ट्रांजेक्शन को सेलेक्ट करो और उठा के जांच एजेंसी को दे दो आगे। मतलब जैसे ईडी है, उसको लग रहा है मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड है ये ट्रांजेक्शन, उठाओ मनी लॉन्ड्रिंग डिपार्टमेंट को दे दो कि भैया ये ट्रांजेक्शन हमें सस्पिशियस लग रही है, आप इसकी जांच कर लो। अच्छा, कोई ट्रांजेक्शन है जो टैक्स इवेजन से रिलेटेड है कि यार ये जो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन है ये ब्लैक को व्हाइट मनी कन्वर्ट करने में या ये इनकम टैक्स को बचाने वाली कोई ट्रांजेक्शन है जिसमें इनकम टैक्स बचाया जा रहा है गलत तरीके से, वो उस ट्रांजेक्शन को पिक करेगी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे देगी। ऐसी कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन है उसको उठाएगी और वो दे देगी। टेररिज्म फाइनेंसिंग से रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन लग रही है, उठाएगी और जो टेररिज्म से रिलेटेड NIA है या जो जितने भी टेररिज्म
को से लड़ने वाले जो एजेंसीज है उनको दे देगी। ये है FIU। FIU का काम ये है कि जो यूनिट्स जो ट्रांजेक्शन हो रही है पूरी दुनिया में इंडिया से, ऑब्वियसली जो इंडियंस जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, अगर कोई उसके पीछे क्रिमिनल है तो उस क्रिमिनल को, उस क्राइम को रोकना, राइट, उस क्रिमिनल को रोकना कि हमारे ये जो एग्जिस्टिंग सेटअप है उसको कोई गलत यूज ना कर सके। अभी तक इसमें बैंक्स आते थे, एनबीएफसी आती थी, पेमेंट एप्लीकेशंस आती थी। क्रिप्टो को 2023 में इंक्लूड करा गया है कि यार अब हम क्रिप्टो पे भी चेक रखेंगे। और उसके लिए क्या करा कि जो इंडियन एक्सचेंजेस, उनको बोला जैसे बैंक्स हमारी रिपोर्टिंग एंटिटीज हैं, पेमेंट एप्लीकेशंस हमारी एंटिटीज हैं, एनबीएफसी हमारी एंटिटीज हैं, अब आप भी हमारी एंटिटी हो। FIU की ये कहता है कि मैं अकेले में काम नहीं कर सकता, मुझे आप लोगों की सहायता की जरूरत है, हम मिलके क्राइम से लड़ेंगे, मैं अकेला नहीं लड़ सकता। तो इसलिए वो अपनी रिपोर्टिंग एंटिटीज का दर्जा देता है इनको। वो कहता है कि आप आगे आओ, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करो, मैं थोड़ी बहुत वेरिफिकेशन करूंगा, उसके बाद मैं आपको रजिस्टर कर लूंगा। रजिस्टर करने के बाद मैं आपसे तीन चार चीजें बोलूंगा। एक तो कि आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स, कि जब कोई मुझे बात करनी हो कहाँ बात करनी है, कहाँ कॉरेस्पॉन्डेंस करनी है। दूसरा, एक कंप्लायंस ऑफिसर, मुझे एक बंदा बता दीजिए जिससे मुझे बात करनी है डायरेक्ट, कोई भी सस्पिशियस ट्रांजेक्शन है और जो आपके प्लेटफॉर्म से मदद मिल सकती है तो मुझे वो बंदा बता दीजिए। कोई डेटा मुझे चाहिए तो वो बंदा मेरी हेल्प कर देगा, तो एक कंप्लायंस ऑफिसर रख लीजिए। और मेरे कुछ फॉर्मेट्स हैं, जब भी मुझे डेटा चाहिए होगा ना तो मुझे इन फॉर्मेट्स में चाहिए होगा, और हर हफ्ते, महीने, 15 दिन, क्वार्टरली चाहिए होगा, और कोई भी अगर जांच होगी तो उसको मिलके हम सॉल्व करेंगे। इतना सा काम है, समझ रहे हो? तो पहले तो बात को समझिए कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, डिपार्टमेंट क्या है, रेलेवेंस क्या है। अगर आपको ये क्लैरिटी हो गई तो हम आगे बढ़ते। ये तो बहुत अच्छे से समझा दिया आपने FIU के बारे में, लेकिन एक्चुअली क्या है, यूजर्स मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए। इनफैक्ट मैंने एक आर्टिकल देखा क्वाइन डेक्स का, आपने भी देखा होगा आई एम श्योर, कि उसके अंदर ये बोला गया है कि ये सारी चीजें ना होती। मैं तो समझ गया हूँ कि ठीक है, वो चाहते हैं कि कोलैबोरेट करें जितने भी एक्सचेंजेस हैं ताकि हम ट्रेस और ट्रैक कर पाए, लेकिन ये बोला जा रहा है डायरेक्टली कि भैया जो Web3 एसोसिएशन है, भारत Web3 और जो इनके इंडियन एक्सचेंजेस हैं, उन्होंने किया है ये सब चीजें। क्या एक्चुअल में ये सीन है, और है तो एक्चुअल में क्या है पर्दे के पीछे? व्हाट डू यू थिंक? देखिए, सबसे पहले ये कहना कि ये भारत Web3 एसोसिएशन ने किया है, ये बिल्कुल थोड़ी सी ना, मतलब इसमें 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 इतना ताज्जुब करने वाली कौन सी बात है? मतलब इसमें इसमें इतना ज्यादा शॉकिंग न्यूज क्यों लग रही है लोगों को? सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूं। इंडिया की जो टीम है, ठीक है, वो ऑस्ट्रेलिया खेलने गई और इंडिया ने वहां पे 50 ओवरों में 300 रन बनाए। जब ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग आई तो ऑस्ट्रेलिया को 50 ओवरों की जगह 100 ओवर में रन बनाने थे, ठीक है। तो इंडियन टीम ने ऑब्जेक्ट करा कि भाई ये क्या कर रहे हो यार, तुम हमें तो 50 ओवरों में बनाए हमने, और तुम ऑस्ट्रेलिया को जो है 100 ओवरों में बनाने। तो वो बोलेंगे कि यार हम तो ऑस्ट्रेलियन है, तुम यहीं पे खेल रहे हो, रूल्स हमारे, ठीक है। सो बेसिकली क्या है कि भारत Web3 एसोसिएशन के अंदर जो एक्सचेंजेस हैं और जो इकोसिस्टम है, जब उनके ऊपर FIU ने ये चीजें लगाई कि भाई तुम्हारी मदद चाहिए। FIU कोई डंडा मारने वाली एजेंसी नहीं है, वो एक IAS ऑफिसर्स की एक बहुत इंडिया के जो सक्षम बहुत बैंक, बड़े बड़े बैंक्स के एम्प्लॉयज, रिटायर्ड एम्प्लॉयज, टेक्नीशियंस, IIT के लोग, IIMs के लोग, मतलब बहुत हाईली इंटेलेक्चुअल लेवल पे वो एजेंसी है। क्योंकि आप समझो ना, उनको दुनिया के फाइनेंस के अंदर सस्पिशियस ट्रांजेक्शन को पकड़ना है, वो कोई बहुत बड़ी एजेंसी है। वो आप उनके जो काम करने का तरीका है, तो अब जब एसोसिएशन को उन्होंने को बोला कि भाई हम आपको रिपोर्टिंग एंटिटीज बना रहे हैं, आप हमारी हेल्प करिए, मदद करिए ये करने, उन्होंने बोला ठीक है सर, मोर देन हैप्पी टू डू दैट। बट इश्यू ये है कि
ये जितना भी कंप्लायंस करने को आप मुझे कह रहे हो, इसकी एक कॉस्ट है, राइट? एक कॉस्ट पड़ेगी मेरे ऊपर। तो जो रूल मेरे लिए है, मैं बिल्कुल उनको करने के लिए तैयार हूं। कंप्लायंस ऑफिसर की तनख्वाह क्या समझ रहे हैं? मतलब एक लीगल हेड होता है कंप्लायंस ऑफिसर, उसकी तनख्वाह नॉट लेस देन 1 करोड़ रुपए होती है साल की, क्योंकि बहुत सीनियर लेवल पे बंदा चाहिए होता है, ठीक है? उसके बाद मैं जो सिस्टम के अंदर डेटा जो स्टोर कर रहा हूँ, जो डेटा मैनेजर जो ये सब कर रहा हूँ, मेरी मतलब साल की 2.5 से 3-4 करोड़ रुपए की मेरी कंप्लायंस की कॉस्ट बढ़ रही है सर। इनकम मेरी है नहीं, तो FIU यही तो पूछेगा ना, ऐसा क्यों है, इनकम क्यों नहीं है? सर, इनकम इसलिए नहीं है क्योंकि जब से टैक्स लगा है और लोगों को लगता है कि हमारे यहाँ तो कंप्लायंट हो गया सब चीजें, हम क्रिप्टो को बाहर भेज नहीं सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, कॉइन्स भी कम है, तो लोग इंटरनेशनल एक्सचेंजेस पे चले जाते हैं सर। तो सारी चीजें तो आपने हम पे लगा रखी हैं, हमारी कॉस्ट भी बढ़ गई धंधे को करने की, और उनको कोई नहीं पूछता। यार इतनी बात तो कहने का हक शायद किसी को भी होगा। मतलब इंडिया, मैंने आपको जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया वाला एग्जाम्पल दिया, वो भी तो यार यही कहेंगे ना कि नहीं जी, रूल तो सेम होने चाहिए ना गेम के। इतनी बात उन्होंने कही होगी, इसमें कोई शॉकिंग बात नहीं है, इतनी कही होगी। उनको भी लगा होगा कि यार नंबर्स हैं कुछ आपके पास कि इंडियंस कितना ट्रेड करते हैं। बाइनेंस ने ओपनली बोल रखा है, चेन एनालिसिस की रिपोर्ट है कि बहुत इंडियंस सारी चीजें हैं, बहुत नंबर 1 है। अब उन्होंने जब देखा होगा कि यार इंडियन एक्सचेंजेस को तो हमने मॉनिटर कर लिया, बाहर जो इंडियंस बाहर के एक्सचेंजेस पे हैं उसका डेटा कैसे आएगा, तो इसलिए उन्होंने इशू कॉज नोटिस इशू किया है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं बट डू यू थिंक क्या इसके अंदर ये कंप्लाइंट करेंगे इंटरनेशनल एक्सचेंजेस? अगर बिजनेस करना है तो ऑब्वियसली बात है उनको करना पड़ेगा, नहीं तो यूआरएल ब्लॉक का खतरा। क्या यूआरएल जो है इमिडिएटली ब्लॉक होंगे या एक टाइम दिया गया है? व्हाट डू यू थिंक क्या हो रहा है? क्योंकि पैनिक तो यही है कि जो स्टेटमेंट सर्कुलर आया था, नोटिफिकेशन देखी थी, उसमें दोनों चीजें साथ लिखी थी, यूआरएल साथ कर ब्लॉक करेंगे और आप हमें जस्टिफाई करो, शो कॉज नोटिस उनको इशू करो। देखिए, शो कॉज नोटिस का मतलब ये है कि हाउ यू आर ऑपरेटिंग इन इन द कंट्री, ठीक है? और आप अगर ऑपरेट कर रहे हो तो आपके कंप्लायंस का क्या स्टेटस है, आप एक तो हमें आके बताइए कि आप किस तरीके से कंप्लाई कर रहे हैं जो हमारी गाइडलाइंस हैं, और आप आके रजिस्टर करिए। और अगर आप नहीं बताते हो कि आप कंप्लायंट हो कि नहीं हो, और आप अगर आगे रजिस्टर नहीं करते हो, तो फ्यूचर में हम आपके यूआरएल को ब्लॉक कर सकते हैं। तो एट प्रेजेंट ये ब्लॉक अभी तो नहीं हो रहे ना, जैसा नहीं नहीं स्टेटमेंट नहीं उसमें कोई, से दिख रहा था। नोटिस में ना तो डेट लिखी है, ना टाइम दिया है। ये अभी एक ऐसा नोटिस है जिसमें उनको बोला, एक थोड़ा अनलिमिटेड टाइम दिया है, प्रॉब्ली ये फर्स्ट स्टेप है, तो हो सकता है कि सेकंड यानी कि नोटिस जारी हो आप जाए। यही कह रहे हो कि अभी जो जैसा लग रहा था, इंप्रेशन था कि एकदम से ब्लॉक हो जाएंगे, जैसे कि 24 घंटे या 48 घंटे में टिकटॉक को ब्लॉक कर दिया था, ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला ना इन ऐप्स के साथ में, या नहीं, सो ऐसा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि उनको पता है वो किस चीज से डील कर रहे हैं। फंड्स हैं उनके पास, फंड्स हैं, लोग लोगों के फंड्स हैं, और फंड्स उनको हैं, ना पता है कोई कि इंडिया से एंटरटेनमेंट। नंबर्स हैं। वेरी ट्रू। तो उनको ये ये पता है कि इंडिया से नंबर्स बहुत ज्यादा हैं, तो हम ऐसे ब्लॉक नहीं कर सकते, बहुत बहुत लोगों का नुकसान हो अल्टीमेटली सकता पैसा तो देश का ही है ना। है। यस एग्जैक्टली, और उनको पता है कि अभी भी पहला स्टेप है एक तरीके से, वो उन्होंने एक इंटेंट जाहिर करी है कि आओ और रजिस्टर करो। अब अगर अगर वहां से कोई पहल नहीं होती है, सपोज आपको कुछ दिनों में दिखता है कि फाइनेंस नहीं आया, क्रैकन नहीं आया, तो फिर हो सकता है कि वो बोले कि भाई हम इतने दिन के अंदर आपको बंद कर। तो दोस्तों जैसा मुझे समझ में आ रहा है काशी भाई से भी जो डिस्कस करने के बाद में, तो यूआरएल अभी ब्लॉक नहीं हो रहे हैं, शो कॉज नोटिस का अगर जवाब आता है या कंप्लाइंट करते हैं, रजिस्टर करते हैं FIU के साथ में, तो शायद ये नौबत आए ना कि ऐप आप यूज ना कर पाओ, ट्रांजेक्शन यहां ना कर पाओ। उम्मीद करता हूँ बहुत कुछ क्लियर हुआ होगा इस चीज को लेके। तो पूरा दोष सिर्फ इंडियन एक्सचेंजेस पे मढ़ना ये भी सही नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक्चुअल में इंडियन यूजर्स को सर्व कर रहे हो और टेक्निकली लीगैलिटी के साथ देखें तो कहीं ना कहीं कंप्लाइंट उनको करना चाहिए। तो सारी चीजें फेयर लगती है, लेकिन हमें लगता है हमारे साथ जाती हो रही है, क्योंकि हमें लगता है कि हम टैक्स भी बचा लेंगे, हम TDS भी नहीं देंगे, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो समझने की हैं इंडियन एक्सचेंजेस को, जो मुझे पर्सनली लगता है काशी भाई कि वो उस लेवल पे नहीं है अभी।
कि उस लेवल पे मैच नहीं कर रहे हैं। जैसे इंटरनेशनल एक्सचेंजेस पे लिक्विडिटी की बात करते हैं, उनके प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, तो ये सारी चीजें इंडियन एक्सचेंजेस करेंगे तो इन फ्यूचर में शायद वहां पे ट्रैफिक आता दिखेगा। तो ये तो सारी बात हमें समझ में आती है, लेकिन काशी भाई इंडियन, अगर मैं बात करता हूँ इंडियन सिनारियो को देख के, जैसा हम उम्मीद कर रहे थे कि 2024 से पहले कुछ नहीं होना, जैसा हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था या आईडी भाई के शो में भी आए थे, हम वही बात कर रहे थे कि हम पर्सनली नहीं लगता कि कोई रेगुलेशंस आने हैं। आप अभी जैसे डिस्कस कर रहे थे, आपने कहा कि सब कुछ हो चुका है, बस ऑन पेपर नहीं है। तो व्हाट डू यू थिंक, क्या रेगुलेशंस आने वाले हैं, इलेक्शन के बाद आएंगे, 2024 में आएंगे, और क्या पूरा सिनारियो लगता है? देखिए, अभी भी इसको आप ये समझिए कि रेगुलेशन ऑलमोस्ट आ चुकी है। क्रिप्टो बिल आपका ऑलमोस्ट, क्रिप्टो बिल में क्या क्या चीजें जो होनी थी, उनमें से अगर 10 चीजें होनी थी तो आज की डेट में 6 चीजें अवेलेबल है। भाई आप क्रिप्टो बिल से क्या एक्सपेक्ट करते हो? आप एक्सपेक्ट करते हो कि जो, वो बात अलग है कि जो टैक्सेस है वो 30% है, लेकिन क्लैरिटी तो है ना। क्लैरिटी, पहले 2017 में आप आए थे पंकज, मेरा ख्याल आप 2016 से कंटेंट बना रहे। मैंने आपका वीडियो, राइट, आज आपको शायद 6-7 साल हो जाएंगे, 8 साल। 8 साल हो गए। तो आपको एक टाइम वो भी याद होगा कि 2016 में ये पता ही नहीं होता था कि करना क्या है। वेरी ये गुड, जिस एक जेप पे, जैसी एक्सचेंज पे केवाईसी देते शुरू में तो हुए जरूरत, घबराते थे, शायद तब जरूरत भी नहीं थी, शुरू में और ये होता जरूरत था कि घबराते थे लोग नंबर से कि रजिस्टर कर लेते थे, हो जाता था। हाँ एग्जैक्टली। तो तब लोग घबराते भी थे, तब क्लैरिटी नहीं थी। फिर 2018, 19, 20, 21, 22, 23, एक टाइम ऐसा भी आया कि 10 साल की सजा का प्रावधान। मेन बात यह है कि आज की डेट में रेगुलेशन से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उनमें से 6-7 चीजें ऑलरेडी हैं। टैक्स पे क्लैरिटी है, आज आपकी पीएमएलए एक्ट में आपकी क्लैरिटी है, आप एफआईयू की एंटिटी, रिपोर्टिंग एंटिटी हो गए हो, आपकी ऑफशोर एक्सचेंजेस पे क्लैरिटी आ गई है कहीं ना कहीं कि रजिस्टर करो आके। अब आपकी बचा क्या? अब आपका नॉन कस्टोडियल वॉलेट बचे हैं, जैसे मेटामास्क और ट्रस्ट वॉलेट। सेल्फ कस्टडी का कंसेप्ट बचा है। एक तीसरी चीज बची है आपकी डीफाई, डेक्सेस, और बिटकॉइन कमोडिटी है या ऑल्टकॉइन सिक्योरिटीज है, और सेबी का क्या रोल होगा। एग्जैक्टली, ये चीजें बची हैं, 5 चीजें बची हैं, 5 पे क्लैरिटी आ गई। तो धीरे धीरे ये जिस आने दिन वाले टाइम के अंदर आपको ये भी क्लियर होते दिखेंगे। बीजेपी की सरकार 2024 में अगर वापस आ गई, तो जो काम उन्होंने किए हुए हैं, तो उन्हीं की मिनिस्ट्री में पिछले 10 साल से क्रिप्टो मॉनिटर हो रहा है ना। वो वापस आएंगे तो वापस आने के बाद जहां तक काम किया हुआ है उसको वहां से वो कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। अगर कोई नई सरकार आ गई तो नई सरकारों का मतलब ये होता है कि वो नए तरीके से काम करना करेंगे, उनकी एक नई एजेंसी बैठाएंगे, नई तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो ये भी मैटर करेगा कि कौन वापस आता है। जो वापस आएगी पार्टी, अगर बीजेपी वापस आती है तो जहां तक काम हुआ है इससे आगे जल्दी होगा। नई पार्टी कोई आ गई तो हो सकता है उनका ओपिनियन कुछ और हो सकता है क्रिप्टो को लेकर। एंड व्हाट डू यू थिंक, एक्चुअल में ऑन पेपर अगर मान लो बीजेपी आती है या अगले टेन्योर के अंदर, व्हाट डू यू थिंक, क्या पेपरों पे भी दिखेगा हमें सब कुछ? पेपरों पे जैसे कि मैं बता रहा हूँ, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन बिल की फॉर्म में दिखेगा हमें, व्हाट डू यू थिंक? बिल्कुल दिखेगा 2024 में। एटलीस्ट एक एक बिल की शेप में कुछ ना कुछ चीजें आ जाएंगी। और अभी इंडस्ट्री को देखो ना, टाइट करा, फिर टैक्सेस लगाए, अब ऑफशोर एक्सचेंजेस पे आ गए। जब ऑफशोर एक्सचेंजेस और सारा इकोसिस्टम कट थ्रोट कंपटीशन होगा तो बोलेंगे मार्जिन नहीं बच रहे हैं। तो इंडस्ट्री को जब कंट्रोल कर लिया, देख लिया, सारे एंगल्स चेक कर लिए कि हाँ हमारे अब एफआईयू वगैरह के सब अंडर है, सब हम मॉनिटर कर पा रहे हैं, तो फिर उसको लूज कर देंगे टैक्सेस को। प्रॉब्ली यही फ्यूचर है, और फिर बिल ले आएंगे। तो डू यू थिंक, डू यू रियली बिलीव कि ये टैक्सेस में थोड़ा सा ईज आउट डेफिनेटली कम, होती देखने को मिलेंगी? डेफिनेटली कम होगा, क्योंकि अभी जो ऑब्जेक्टिव है सिर्फ डिस्करेज करना है। जब तक एफआईयू, पीएमएलए, सारी चीजें हम कर नहीं लेते, जिस कंट्रोल दिन ये में आ सारी जाएगी। चीजें, उस दिन इंडस्ट्री को फिर वो ग्रो कराएंगे कि चलो अब ये इंडस्ट्री को ग्रो कराते हैं, हमारे कंट्रोल में है और इससे बेनिफिट लेते हैं। इकोनॉमी में क्या बेनिफिट्स आ सकते हैं? एफडीआई, जॉब्स, टैक्सेस, जीएसटी, देखो इसको इंडस्ट्री को बड़ा करते हैं।
काशिप भाई, हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भी जो है, या हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने भी स्टेटमेंट दी थी कि इंडिया में रेगुलेशंस करके भी कुछ नहीं होगा जब तक ग्लोबली रेगुलेशंस नहीं आते हैं और सबको मिलके करना पड़ेगा। अभी चाइना की भी रिसेंटली शायद ऐसी स्टेटमेंट आई है। तो व्हाट डू यू थिंक, क्या सारे इकट्ठे होंगे तभी पॉसिबल होगा रेगुलेशन करना, या हम अपने जैसे स्टांस से कुछ फर्क पड़ने वाला है क्रिप्टो करेंसी पे? देखिए, जो एक्सचेंजेस हैं आप उनको तो रेगुलेट कर सकते हो, सारी कंट्रीज मिलके भी कर सकती हैं, G20 में सभी आ जाती हैं। तो G20 की सारी कंट्रीज मिलके एक शेयर्ड डेटाबेस बनाए, वो डेटाबेस जैसे आज फाइनेंस में एग्जिस्ट करता है बैंकिंग में, वैसे ही डेटाबेस क्रिप्टो में भी होगा कि सारे बैंक्स का एक कॉमन डैशबोर्ड होगा। किसी भी, जैसे आज आप ईथर स्कैन के ऊपर एक एक वो लेजर डालते हो, का कुछ भी चेक कर सकते है ना, हैं। और आप लेजर चेक कर सकते हो, ऐसी हर ट्रांजेक्शन का जो ग्लोबली हो रही होंगी उनका एक ईथर स्कैन होगा। वहां पे आपने ट्रांजेक्शन डाली और निकल के आ गया कि किस बंदे ने इंडिया में कौन सी गली नंबर, कौन से मकान नंबर से ट्रांजेक्शन भेजी है और US में किसको जा रही। एक्चुअल में बस एक्चुअली इतना ही पता करना चाहते हैं कमर्स, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे ओवरऑल हमें समझ में आया है कि हो सकता है आपको बिल आता दिखे 2024 के अंदर, और बहुत और क्लैरिटी होती दिखेगी, और अगर चीजें कंट्रोल में आती हैं तो यहाँ पे क्रिप्टोकरेंसी इंडस्ट्री बूम करती भी दिखेगी। अगर रेगुलेशंस प्रॉपर तरीके से होंगे तो गवर्नमेंट भी चाहेगी चलो यहाँ से टैक्स और अच्छे से अर्न किया जाए, लोगों को प्रोत्साहन दिया जाए। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन जो मेरा है, जो एक्सचेंजेस को लेके खासकर अगर मैं बात करता हूँ काशी भाई, इंटरनेशनल एक्सचेंजेस, देखो इंडियन एक्सचेंजेस तो सारा डाटा दे रहे होंगे, अब जो इंटरनेशनल एक्सचेंजेस है जिन्होंने अभी तक ट्रेस, जो कई लोग जो है ना टैक्स बचाने के लिए करते हैं, तो वो जो पास का डाटा भी तो वहां पे शेयर किया जाएगा ना, व्हाट डू यू थिंक, या कुछ फ्रेश स्टार्ट से शुरू होगा, व्हाट डू यू थिंक? क्योंकि यहाँ पे ये क्यूरियोसिटी बहुत सारे लोगों के, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि हमारा पीसी का ट्रैक रिकॉर्ड पता चलेगा तो हमें नोटिस आएंगे, ये सारी चीजें होंगी, व्हाट डू यू थिंक? क्या एक्चुअल में अब जैसे FIU ने भी जो बोला है तो डाटा वहां पुराना भी तो शेयर होगा या नहीं होगा, व्हाट डू यू थिंक? यार देखिए, पहली बात तो ये है कि करेंगे जो एक्सचेंजेस इंटरनेशनल एक्सचेंजेस हैं, ठीक है, उनके ऊपर कोई कानून तो था नहीं, ना वो किसी जुरिसडिक्शन में थी, वो जिधर वो बेस्ड थी जैसे केमैन आइलैंड या इधर उधर थी, वहां अच्छा पे कोई इनको कोई मैंडेट नहीं था डेटा रखने का। अब आज अगर कोई इनको बोले कि लाओ पे डेटा लाओ 8 साल पुराना, हो सकता है वो बोल दे कि हमारे पास 8 साल पुराना नहीं है जी, हम तो हर 3 साल बाद डिलीट कर देते हैं क्योंकि इतना डेटा होता है, तो हमारे पास तो पिछले 3 साल का ही है सपोज। अब ये उनके ऊपर है, डिपेंड कुछ करते, कुछ ऐसी एक्सचेंजेस होंगी जो कहेंगे हमें इंडिया में आना ही नहीं है सपोज, हमें कंप्लायंस करना ही नहीं क्योंकि हम कहीं पे भी कंप्लायंट नहीं है। जैसे एक आध एक्सचेंज है जो कि जैसे MEXC है, मुझे लगता है वो सबसे पहले कॉइन्स को लिस्ट करता है, ठीक है, वो कहीं कंप्लायंट भी नहीं होगा आई एम और वो श्योर। कोई कंप्लायंट भी नहीं होगा। वो मुझे खतरनाक, जब भी मैं सुनता हूँ लोगों से कि भाई MEXC पे पंप एंड डंप सबसे ज्यादा होता है, तो अब मुझे बताओ कि कोई एक्सचेंज बिल्कुल ही जिसने आई एम श्योर वो तो बिल्कुल नहीं ही करने की मतलब सोचेगा। जिसने बिल्कुल ही धज्जियां उड़ाई हुई हो चीज, ठीक है, तो जो कंप्लायंट वो कहेगा वो क्या कंप्लायंट करेगा आखिर, सही बात, तो कंप्लायंट कौन करेगा? कंप्लायंट करेगा आपका बाइनेंस, क्रैकन, कॉइन बेस, कुकॉइन भी मुझे डाउटफुल लगता है, Gate.io भी डाउटफुल डाउटफुल लगता है, ठीक है, बिटकैट कर सकता है आगे आके, ठीक है, और बायबिट का नाम नहीं है, ओकेक्स कर सकता है, ओकेक्स आगे आएगा बाइबिट प्रॉब्ली, भी चल रहा लेकिन आप ये सोच रहे हैं छोटी छोटी नहीं आएंगी, है, छोटे वो छोटे कहेंगे भैया हम नहीं आ रहे। तो मोटा मोटा टॉप प्लेयर रह जाएंगे इंडिया में अगर कंप्लाइंट हाँ बात भी बड़े, हो, जरूरी नहीं है, ये अभी क्योंकि पता नहीं है कि होगा भी कि नहीं होगा, वो करना चाहेंगे भी नहीं क्योंकि करना, और जो हाँ क्योंकि उनके आते ही ना, उनके आते ही एक तो उनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, और उनको ये भी इंश्योर करना होगा कि अगर वो आ रहे हैं तो दे हैव टू बी रेडी मेंटली, उनके भैया उनके पास कंप्लायंस थी कि नहीं थी, क्योंकि सवाल तो पूछा जाएगा ना, सिर्फ रजिस्ट्रेशन से काम नहीं होगा, सही बात है, उनसे ये अल्टीमेटली सवाल पूछा जाएगा, हाँ भाई तुम कंप्लायंट थे कि नहीं? वो कहेंगे सर कंप्लायंस तो क्या होता है, समझ में आ रहा है, अब कल से करेंगे, धीरे नहीं। धीरे ये अब जो एक्सचेंज कॉन्फिडेंट होगी
बाकी तो शायद कोई आगे आएगा भी। राइट। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ एक ओवरऑल एक ओवरव्यू मिला होगा जो इंडियन एक्सचेंजेस और इंटरनेशनल एक्सचेंजेस को लेके क्या चल रहा है। और काशी भाई से हमेशा जब भी डिस्कस करते हैं बहुत कुछ सीखने को समझने को मिलता है और इन डिटेल समझने को मिला होगा। और रेगुलेशंस को लेके फाइनल स्टेटमेंट, काशी भाई व्हाट डू यू थिंक, क्या एज अ इंडियन यूजर कहाँ देखना चाहिए हमें 2024 एंड में? कहीं फिर कहता हूं कि अगर क्रिप्टो में इसलिए एंटर किया है कि जल्दी अमीर हो जाऊंगा और टैक्स नहीं दूंगा, तो भाई बुरी खबर है आपके लिए। जो अगर ऐसे जितने भी लोग इस मानसिकता के हैं, क्रिप्टो के अंदर आप इंडियन एक्सचेंजेस पे भी अच्छे जो कॉइन्स हैं, जो बड़े मार्केट कैप वाले हैं, और उनमें से भी जो बिटकॉइन है, राइट, आप लेके एक एफडी की तरह 8 साल 7 साल के पर्सपेक्टिव से लो और छोड़ दो। कोई आपको टैक्स नहीं देना पड़ रहा, जब आप बेचोगे तभी तो देना है ना। अब आपने 7 साल तक बेचा ही नहीं, तो फिर 7 साल तक कोई टैक्स नहीं है ना, ठीक है। तो आप अपनी मानसिकता को थोड़ा सा बदलिए। और जो इतने बड़े बड़े आप रिस्क लेते हो, ये इंडस्ट्री पहले रेगुलेटेड नहीं थी, अब ये धीरे धीरे प्रॉपरली कंप्लायंट होती जा रही है, और उसके बीच में आप ऐसे बड़े बड़े रिस्क बिना सोचे समझे अगर ले रहे हैं, तो नहीं गलती लेने चाहिए, नहीं लेने चाहिए, नहीं, क्योंकि आपको नहीं पता कि कब आप किस परेशानी में आ जाएं और फिर जवाब देते रहेंगे फिर आप। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ बहुत कुछ समझने को सीखने को मिला होगा। अभी हम काशी भाई को रेगुलरली बुलाने की कोशिश करेंगे और कुछ निकल के आएगा तो समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही। और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, काशी भाई के चैनल पे जरूर जाके देखिएगा, बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं वेब थ्री को लेके और बहुत सारी चीज़ें वहाँ सीखने समझने को मिल सकती हैं। बिटेनिंग उनके YouTube चैनल का नाम है। थैंक यू काशी भाई एक बार फिर से। थैंक यू वेरी मच पंकज भाई।